नेट का दिक्कत आ रहा है, हो जाएगा अब सही, लाइट कट गई थी। हाँ चलिए देखिए, यहां तक क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, सिक्स कांस्टेंट है। आवाज आ रही है मेरा? हाँ सर, सर, सिक्स कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, थ्री कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, नाइन कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, फोर कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, और फाइव क्या है? कांस्टेंट है। तो देखिए, सिर्फ यह कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट याद है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। क्लियर क्लियर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखिए यहां पे, देखिए एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, तो कांस्टेंट को कान पकड़ के, कांस्टेंट को कान पकड़कर बाहर, तो क्या बचा बताइए? तो सिक्स बार बचा क्या? थ्री बाहर बचा क्या? बोलिए बेटा बोलिए, रिप्लाई करिए। नाइन बाहर बचा क्या? फोर बाहर बचा क्या? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुए सभी बच्चे या नहीं? यस सर। यहां पे सिक्स कॉन्स्टेंट बाहर, थ्री कॉन्स्टेंट बाहर, नाइन कॉन्स्टेंट बाहर, फोर कॉन्स्टेंट बाहर, और सिर्फ कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। क्लियर क्लियर। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपको आता है? निखिल 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 यस सर। बेटा, एक्स रेस पर फोर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताइए। सर 4x रेस फोर टू फोर एक्स माइनस फोर माइनस रेस टू 1 इनटू, dx अपॉन dx। अरे वाह निखिल वाह, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा। प्लस चलिए, हिमांशु बेटा, हिमांशु 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 पाठक बेटा, एक्स सर स्क्वायर थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताइए। थ्री तो 3x एक्स 3-1 थ्री माइनस रेस वन टू थ्री थ्री एक्स माइनस अरे वाह हिमांशु वाह, अब मुझे बहुत खुशी आ रहा है। चलिए प्रतीक बेटा, प्रतीक बेटा, प्रतीक प्रतीक बेटा, प्रतीक यस सर। बोलिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्या स्क्वायर का सर? डिफरेंशिएशन आह टू 2x रेस टू एक्स। टू माइनस वन। क्लियर है बेटा? प्लस प्लस देखिए, तो यहां तक आप सभी को समझ में आया? देखिए तो यहां तक सभी बच्चे को समझ में आया? यस सभी बच्चे को? सर। सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। चल बढ़े आगे। देखिए डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल, डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल, डीएक्स बाय डीएक्स कैंसिल। हो गया बेटा, मैं आगे बढ़ू, कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए कितना बचा, यहां पे कितना बचा बताइए, तो बोलिए जल्दी रिप्लाई करिए। 24x ट्वेंटी थ्री फोर एक्स एस पावर कितना हो गया? थ्री। और डीएक्स बाई डीएक्स क्या हो गया बेटा? कैंसिल। समझ में आया? सॉरी जी सर। प्लस थ्री थ्री जा, थ्री थ्री जा, नाइन नाइन कितना आ एक्स गया? पावर टू नाइन एक्स स्क्वायर नाइन टू जा, नाइन टू जा,
18 कितना आ गया और यहाँ पे कितना बच गया सिर्फ। अच्छा सच्चाई के साथ बताना क्या सभी बच्चे क्लियर हुए या नहीं, सच्चाई के साथ बताना बेटा। क्या मैं एक बार और समझाऊं? नो सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। गुड, लिख लिए। यस सर। बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप बनाएं, खुद से बनाएं। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएं। सर आपने सैटरडे को होमवर्क दिया था ना? हाँ बेटा दिया था ना। बनाए आप लोग? हाँ सर। गुड, सिक्स एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस वन, इसको आप बनाएंगे? इसको आप खुद से बनाएंगे? बनाएंगे। सर 18x पावर 2 प्लस 6x प्लस 9। गुड एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। श्रेयस बेटा yes. बना या बताऊं? सर बताऊं ही। ठीक मैं बता। देखिए dy by dx, ठीक है, y के प्लेस पे क्या आएगा बेटा? y के प्लेस पे इतना आएगा, हाँ या ना? बोलिए सरियस, बोलिए बेटा कितना होगा? क्या हम इसको लिखेंगे? क्या हम इसको लिखेंगे? अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा जल्दी बता दीजिए। 64 प्लस 64। सही है यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। अब बताइए सिक्स कांस्टेंट है और यह किसके साथ है? एक्स के साथ। या कॉन्स्टेंट और एक्स वेरिएबल, या कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, या कॉन्स्टेंट या वेरिएबल, और या सिर्फ कॉन्स्टेंट। सिर्फ कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आदित्य, सिर्फ कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। जीरो। अब देखिए यहां पे कॉन्स्टेंट को कान पकड़कर, कॉन्स्टेंट को कान पकड़ कर बाहर, कितना आएगा? प्लस जीरो। आदित्य समझ में आया नहीं आया? श्रेयस समझ में आया? यस सर। एकदम क्लियर या दिक्कत है? एकदम क्लियर है? यस सर। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीरियस बताइए? एक्स स्क्वायर थ्री है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सीरियस बताइए? मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, मल्टीप्लाई करेंगे पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट। क्लियर है बेटा? यस सर।
अब बताइए इसको क्या होगा, आप खुद से बताइए, अब कितना आएगा जल्दी बताइए। टू एक्स टू माइनस वन इंटू, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस प्लस एक्स रेस टू वन माइनस, नहीं यहाँ पे तो dx by dx ही रहेगा। dx by dx क्या हुआ? कैंसिल। कितना आएगा? सिक्स थ्री जा x स्क्वायर, थ्री टू जा नाइन, यह आंसर आ गया। क्या सभी बच्चे को समझ में आया? हाँ सर। सभी बच्चे को समझ में आया? यस सर। बढ़े आगे। यस अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? मैं आगे बढूं? यस सर। लिखिएगा। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फर्स्ट y equal to sin x, फर्स्ट y equal to sin x, क्लियर बेटा? अगर ऐसा दिया हो तो कैसे डिफरेंशिएट? यहां x क्या है? एंगल होता है, ध्यान देना क्या होता है, एंगल जो दिया रहता है। और ये दोनों वेरिएबल है, यह दोनों वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन dy by dx, y के प्लेस पे क्या होगा जल्दी बताइए, y के प्लेस पे क्या होगा? बोलिए, नहीं बोलेंगे तो नहीं मजा आएगा। y के प्लेस पे क्या है? sin x, तो d sin x by dx, क्लियर है? yes sir। sin x by dx, सभी लोग क्लियर है? yes sir। सर ये नहीं समझा, नहीं समझा ना? गुड। हमने बोला कि y इक्वल टू साइन x दिया है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। Differentiate with respect to x on both side, क्या होगा? dy by dx, y के प्लेस पे क्या है बेटा? sin x, क्लियर? क्या है? dy by dx equal to d sin x by dx। अभी भी दिक्कत है क्योंकि y equal to sin x, क्लियर है नहीं है? अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स, ध्यान देना। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, याद रखना है। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और यहां पे जो एंगल होता है ना उसको उसी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डीएक्स बाय डीएक्स। एंगल को इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कितना आएगा? dx by dx, कितना आ गया? क्या क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो आपके क्वेश्चन पूछेगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बताओगे? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। समझ में आया?
याद रखना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। बढ़ो आगे। यस सर। यस। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं। जैसे y इक्वल टू फोर साइन एक्स ऐसा रहे तो देन टेन इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, देन लो dy by dx dy dx कितना है 4 साइन x, यही ना बेटा? हाँ या ना? Yes, यहां 4 क्या है, 4 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट और साइन x क्या है वेरिएबल, वेरिएबल क्यों वेरिएबल क्योंकि देखिए x वेरिएबल, क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। बताइए तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो कान पकड़ कर 4 को बाहर, 4 को कान पकड़ कर बाहर, तो बच क्या गया भाई 4 cos x। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, cos x क्या लिखेंगे cos x इनटू, यह मत भूलिए क्योंकि यह आगे चल के आपको काम देगा, इनटू यह जो एंगल रहेगा इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे कि पांडे सर कट कट तो वही हो जाता था, इसको क्यों लिखते हो आप? अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के बताऊंगा, इसका बहुत ज्यादा रोल, इसका बहुत ज्यादा रोल। तो समझ में आया हमारे सभी बच्चों को? क्या हमारे सभी बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा? Yes. सीरियस बेटा आपको समझ में आया बेटा? Yes. आदित्य बेटा? Yes sir. ऋषभ, प्रतीक, अभिजीत, yes, अनुष्का बोध? Yes. अनुष्का बोध क्लियर है बेटा? यस सर। यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए तो तब कैसे बनाएंगे, साइन 4x हो जाए कैसे बनाएंगे dy by dx, ध्यान देना d by dx y के प्लेस पे क्या होगा क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बोलिए बेटा, रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है? यस यस सर। अब बताइए साइन x का या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो यहां पे साइन का cos थीटा, ए हेलो cos थीटा, तो यहां थीटा कितना है, थीटा कितना है, आप जल्दी बोलो एंगल कितना है 4x, तो जितना एंगल यहां होगा वही एंगल यहां पर होगा, ध्यान देना ये बात, जितना एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, कितना होगा cos 4x, यह एक टर्म हुआ इनटू, याद है, याद है गाना, उसको उसको एंगल को ट्राई करेंगे x के साथ क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बोलिए यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बात बताइए। Yes, sir. मैं फिर से बताऊं, मैं फिर से समझा रहा हूं और मैं इसको फिर से रफ करके फिर से समझाऊंगा। हमारा क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू साइन 4x, बेटा यहाँ पे 4x क्या है एंगल या 4x एंगल किसका, साइन का, ध्यान देना
अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इन द प्लेस ऑफ वाई व्हाट वी कैन राइट हियर इज इट क्लियर है यस सर अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताइए कॉस एंगल यहां क्या है 4x तो जितना एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा कितना हो जाएगा 4x गाना याद है गाना एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो एंगल कितना है 4x तो 4x को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं क्लियर yes. अब देखो यार फोर क्या है कॉन्स्टेंट और एक्स क्या है वेरिएबल तो बताइए तो एक्स के साथ कॉन्स्टेंट होता है तो क्या करते हैं कान पकड़ कर या 4x और यहां पे 4 को कान पकड़ कर बोलिए बाहर बच क्या गया dx by dx समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा yes तो dx by dx कैंसिल बचा क्या 4 cos 4x अच्छा कभी कभी बच्चे ये भी लिखते हैं कि इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या यह सही है यह 4 इसके साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा यह 4 कभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा रॉन्ग हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा यह 4 हमेशा बाहर आएगा 4 बाहर आएगा ये बात ध्यान में रखना लिख लिए यस सर लिख लीजिए मैं फिर से नेक्स्ट कुछ चीज बता रहा हूं रख करूं रख करूं सर आप फिर से समझा सकते हैं किसे समझाएंगे एकदम समझाएंगे किसे समझाएंगे इसको रफ करता हूं फिर से इसी को दूसरे फॉर्म या इसी को समझाता हूं लिखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू साइन 4x यही है बेटा आना एक बात ध्यान देना बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे 4x जो है वो एंगल है या 4x एंगल है एंगल ऑफ साइन है एंगल ऑफ साइन ध्यान देना अब इसको डिफरेंशिएट करना डी वाई वाई डी एक्स कितना हो जाएगा y के प्लेस पे क्या होगा आप बता सकते हैं y के प्लेस पे साइन 4x क्या आप सभी लोग क्लियर है y इक्वल टू साइन 4x है तो यहां पे y की जगह पर क्या लिखे साइन 4x आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos एक बात और ध्यान देना है कि जो एंगल यहां पे होगा ये बात ध्यान में रख लेना वही एंगल यहां पे आएगा कितना आएगा 4x है तो यहां पे कितना आएगा 4x साइन 4x का डिफरेंशिएशन हो गया अब गाना में एक वर्ड और है इसको चाहे वो कुछ भी हो 4x है तो 4x को अलग 6x होगा तो 6x को जो रहेगा उसको इसके साथ क्या करेंगे डिफरेंशिएट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे क्लियर है आदित्य क्लियर है यस सर यस सर या तो हो गया कितना है cos 4x यहां पे 4 क्या है बेटा कॉन्स्टेंट कान पकड़ कर बाहर
बचा क्या dx by dx कैंसिल। कुछ बच्चे गलती यह करते हैं इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यह एंगल है, एंगल का 4 से कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा, जबकि यह 4 हमेशा इस टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 cos 4x। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या मैं रख करूं? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, टाइम टेबल चेंज करने का क्या आप लोग सोच रहे हैं? कितना बजे रखूं, सुबह में रखूं या टोटल टाइम को शिफ्ट कर दूं इवनिंग में? दो लेक्चर शाम में रखो। दो लेक्चर शाम में या दो लेक्चर सुबह, सही है? हाँ सर। ठीक है, तो मॉर्निंग में कितना बजे से स्टार्ट करूं? सर मॉर्निंग में रखो। आठ। सर मॉर्निंग में ठीक है। 7 बजे से? हाँ सर मॉर्निंग में ठीक है। हाँ सर। 8 बजे से सर। 8 बजे से? हाँ सर। तो मैथ का लेक्चर शिफ्ट कर देता हूँ शाम में, मैथ का और केमिस्ट्री का, चलेगा? चलेगा सर। ठीक, मैं बात करता हूँ। एक बच्चा है ऋषभ करके आता था पहले, ऋषभ याद है? देखे हैं ऋषभ करके एक बच्चा आता है था, अभी नहीं है, एक दो दिन से नहीं आया है। तो ऋषभ का कहना यह है कि पांडे सर इवनिंग में लेक्चर कर दीजिए, इवनिंग में, वो जगता ही 8-9 बजे है। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोग को, जानते हैं सुबह जगना और सुबह की इफेक्टिव पढ़ाई जो होता है ना, एक अलग इफेक्टिवनेस के साथ आता है, एक अलग उसकी पहचान होती है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग होता है। सीरियस बेटा यस सर, आपको टाइमिंग सुटेबल है या थोड़ा शिफ्ट करना ठीक है? नहीं सर सुटेबल है। 7 बजे मॉर्निंग या 8 बजे? मैं देखता हूँ, एक बार सबसे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा और बच्चों से बात करता हूँ, फिर मैं टाइम चेंज करता हूँ। चलिए कल तक लेकिन हो जाएगा, कल से हो जाएगा, और मैं आज शाम तक डाल दूंगा ग्रुप में कि क्या टाइमिंग होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा आपको या मैं बताऊं? इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा आपको या मैं बताऊं? सिक्स कॉस सिक्स एक्स। यस सर। गुड, कैसे होगा देखिए, तो डिवाइड बाय डीएक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, या जो एंगल है वही एंगल यहां आएगा, ये बात ध्यान में, इनटू उसको उसी के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें, किसको? 6x को। 6 क्या है? कांस्टेंट, लाइन पकड़कर बाहर क्या जाएगा, इनटू डीएक्स वाई क्या जाएगा, क्या सभी बच्चे क्लियर है? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। मैं रफ करूं, क्या बनाएंगे इसको? 11 cos 11x। गुड। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। टाइम अप, रिज्वाइन कंपल्सरी, सभी लोग रिज्वाइन होंगे,
अनुष्का उगले बेटा, अनुष्का उगले बेटा, रीज्वाइन नहीं होता है तू, क्यों वजह होती है? अच्छा रीज्वाइन नहीं लेकिन कम होती है, मैं ही देखा। साइन 11x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हैं? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एंगल कितना है 11x इनटू गाना, क्लियर बेटा?